नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी शहर में हादसों का कारण बन रहे आवारा पशुओं और कुत्तों के आतंक से अब व्यापारी भी परेशान हो चुके हैं। उन्होंने महानगर का रूप ले रहे शहर में जल्द गौशाला बनाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी मंगलवार को नगर निगम पहुंचे और मेयर जोगेंद्र रौतेला को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि शहर में मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग, मुखानी, नहर कवरिंग क्षेत्र, गली मोहल्ले और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आवारा पशुओं का जमवाड़ा लग रहा है। वहीं आवारा कुत्तों का भी शहर में खासा आतंक है। आए दिन मवेशियों को कुत्ते की वजह से लोग हादसों का शिकार बनते जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे पशुओं के लिए गौशाला बनाने का मांग की है। वहीं मेयर ने आश्वासन दिया है कि गोलापार क्षेत्र में राजस्व विभाग की जमीन का चिन्हीकरण किया जा रहा है और जल्द ही वहाँ गौशाला का निर्माण किया जाएगा। पशुओं में तो स्वान है, डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6,000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को ख़त्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आवारा गोवंश की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक सरकार स्तर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि स्थान को चिन्हित करिए और एक अच्छी गौशाला बनाइए ताकि सभी आवारा गौवंश वहाँ पर अच्छे से रहें, खाना अच्छे से उनका खाद्य सामग्री इत्यादि मिले और स्वस्थ रहें। तो इस पर चल रहा है। गोलापार क्षेत्र में एक राजस्व विभाग की भूमि है, उसको चिन्हित किया गया है और आने वाले दिनों में जल्दी वो अलॉटमेंट हो जाएगा। देव भूमि उद्योग व्यापार मंडल महानगर शाखा द्वारा शहर के अंदर जो आवारा पशु और जो गली मोहल्ले में मेन रोडों पे मुखानी क्षेत्र में, नहर कवरिंग क्षेत्र में और मेन रोडों पे चल रहे हैं, उससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग चोटिल हो गए हैं, कुछ लोग मौत के उसमें भी जा चुके हैं, मौतें भी हो चुकी हैं। उस संबंध में ये ज्ञापन जो है हमने दिया है और ये शहर की मुख्य समस्या है। ये पशु जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गोलापार में हमने एक जमीन चिन्हित की है और उसको जो है बहुत जल्दी हम कोड़ा बनाने की कार्रवाई करेंगे। आवारा जानवरों से शहर में जो है लोगों को, राहगीरों को चलने में दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वालों को बहुत परेशानी है, पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी है। कई लोगों को चोटें हो चुके हैं, कुछ लोगों की जो है जान भी इसमें जा चुकी है, बल्कि बरेली रोड में अभी हादसा हुआ था पिछले महीने। इस तरह से कई दुर्घटनाएं। मैं अजय कृष्ण गोयल, महानगर अध्यक्ष, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल। नगर निगम अपने देवभूमि माप व्यापार मंडल के महानगर इकाई के तत्वावधान में आज मेयर साहब से मुलाकात करी है हमने। इसका हमारा जो उद्देश्य था आज, जो हमारे शहर में महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशी हैं, गाय हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी हो गए बाजार क्षेत्र में, इधर तो भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से उनको मारता है तो भागती हैं। तब तो ऐसा लगता है कि पब्लिक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान माल की हानि हो। इस संदर्भ में हमने आज मेयर साहब को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने आश्वासन हमें ये दिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अतुल कुमार गुप्ता, युवा मंडल अध्यक्ष। वहीं दूसरी ओर कालाढूंगी में भी आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने के लिए स्थानीय युवाओं ने उप जिलाधिकारी कालाढूंगी के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन सौंपा। कालाढूंगी में आवारा पशुओं की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ये आवारा पशु दिन भर सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे कई बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है। इसी को लेकर कालाढूंगी के कुछ समाज सेवी युवाओं ने उप जिलाधिकारी कालाढूंगी के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं समाजसेवी मयंक गुप्ता ने बताया कि कालाढूंगी क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ते ही जा रही है, जिस कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके विषय में शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गत कुछ दिनों से कालाढूंगी क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक फैल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटना घटित हो रही है और साथ ही कालाढूंगी जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गत कुछ दिनों पहले इस संबंध में संबंधित कार्यालय में सूचना दी गई, बट उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई
और कुछ दिन पहले भी एक गाय इस पर घायल हुई जिसका इलाज कराया जा रहा है। तो आज हमने जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हो और साथ ही इनका गौशाला या कहीं मतलब कहीं पर इनके रहने की व्यवस्था कराई जाए। लोगों द्वारा यहाँ पर मुझे कालाडूंगी क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं के रिगार्डिंग ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। मेरे द्वारा इसमें एक ज्ञापन तो प्रेषित किया जा रहा है, साथ ही नगर पालिका ईओ से बात करी जाएगी और जहाँ जितना भी संभव हो सकेगा उनको हम गौशाला या गौसदन में भेजने की कार्रवाई करवाएंगे। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।